हेलो, कैसे हो आप लोग? ये मेरा किचन है और मैं आ गई अपने किचन में। देखती हूँ मैं आज क्या बनाती हूँ। गोलू को चाहिए आज दही बड़े खाने हैं, तो मैं उसके लिए आज दही बड़े बना रही हूँ। ये उसने ना इमली मंगाई है, देखो 50 रुपये की इमली है ये, इतने छोटे छोटे पैकेट। एक पैकेट 10 रुपये का है, देखिए एक पैकेट 10 रुपये का, बताओ। वरना इसके ना मैं मीठी चटनी बनाऊंगी, गुड़ और इमली की मीठी चटनी बनाऊंगी, थोड़ा हरा धनिया की चटनी बनाऊंगी और दही को फेंटूंगी और फिर बड़े तलती पहले। अभी मैंने ना इमली भिगा के रखी है, ये देखिए। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, यहाँ पे तेल गरम कर रही हूँ। और मैंने बड़े को लिए ठंडा पानी रखा हुआ है, उसमें अजवाइन डाल के, और ये बैटर है, बड़े बनाने का बैटर। तो चलो अब हम बड़े बनाते हैं। इनको ना हल्की आँच में पकाती हूँ, उसमें तेज आँच में पकाऊंगी ना तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से एकदम लाल हो जाएंगे। तलने के बाद ना मैंने इनको ठंडे पानी में निकाल दिया है, ठंडे पानी में डाला था इनको भी। इनको अभी तब तक इनको पानी से निकालूंगी जब तक ये वाले इसमें आएंगे, पानी में आएंगे, तब तक इनको पानी में डुबा के रखूंगी। अब मैं ना इनको निकालती हूँ पानी से, इस तरह से मैंने इनको निचोड़ना है। ये देखिए, इनको ऐसे निचोड़ के जितना एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर उसको निकालूंगी और फिर इनको साइड में रखूँगी। चटनी ना बना के मैंने तैयार कर दी है, इमली की मीठी चटनी और ये हरा धनिया, और ये हरे धनिया की चटनी, और ये है दही, और ये हैं बड़े। अब मैं ना इनको प्लेट में सर्व करती हूँ। मैंने कटोरी में बड़े रख दिए हैं, अब मैं इसमें दही डालती हूँ। तो मैं इसमें मीठी चटनी डालती हूँ। और ये जाएगी इसमें अब हरा धनिया की चटनी। लग रहे हैं ना एकदम बाजार जैसे दही बड़े। इसे मैंने ऊपर से ना थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाला, हल्का सा नमक और भुना हुआ जीरा डाला है। मैंने ना दही बड़े बनाए आज, कैसे लगे आपको? मैंने पूरी वीडियो दिखाई, बीच बीच में थोड़ा सा मुझे ना फ़ोन रोकना पड़ता है क्योंकि मेरे को थोड़ा भी इतना अच्छे से वीडियो नहीं बन रही है, इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं रोक देती हूँ और फिर अपना काम शुरू करती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा नमक डाला, मिर्ची डाला, तो उसमें मैंने आपको दिखा नहीं पाई। तो आपको देखो अच्छा लगेगा, आप लोगों को कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट करके प्लीज़। और हम लोग उत्तराखंड के हैं और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो अभी रिटायर हो गए हैं, और अभी हम लोग ना पूना में बसे हुए हैं, पूना में रहते हैं। पुणे में हमारा अपना फ्लैट है तो हम लोग इधर रहते हैं। मैं ना पौड़ी गढ़वाल की हूँ और रामनगर के साइड में, मतलब रामनगर की तरफ के हैं, उधर रामनगर से हमारा घर नज़दीक पड़ता है। आपको ना मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू।